हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आप लोग को गणपति पापा के पास। मैंने मोदक बनाया है और दीप ले जा रही हूँ जलाने के लिए। आज हमारे यहाँ पे कंपटीशन है, कौन अच्छा मतलब प्रसाद लाएगा, चढ़ाएगा, जिसका टेस्टी होगा उसे कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये है मेरा मोदक रेसिपी। इसका रेसिपी मैं जल्दी ही डाल दूँगी, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। अब क्या पता रेसिपी पहले आएगा कि ये ब्लॉग पहले आएगा, अब ये भी मुझे नहीं पता है। ये देखिए, मेरे मिल्क पाउडर से मैंने ये बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग, और आपको भी दिखाऊंगी कि कौन क्या क्या बनाकर लाया है। और ये है हमारा रियांश। हाय हाय हाय, आप सब कैसे हो? हाय फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम चलते हैं। ये देखिए हमारे गणपति बाप्पा को मैंने ये मोदक बनाया था, वहीं पर रखा हुआ था। और यहाँ पे आरती का भी कंपटीशन था, जो अच्छा थाल सजा कर लाएगा उसका भी कंपटीशन था। तो सारे प्राइज लास्ट डे मिलेगा, जैसे संडे को लास्ट डे, 10 दिन यहाँ पे गणपति बाप्पा रखा गया है। तो ये देखिए आरती का थाली, और बाद में भी बहुत सारे आरती की थाली आए, तो मैंने वो सूट कर नहीं पाया। बाद वाले बहुत अच्छे अच्छे आरती की थाली थे। और मैंने कितने लोग व्यंजन बना कर लाए थे, व्यंजन 5 ही लोग बना कर लाए थे, और आरती की थाली बहुत लोग बना कर लाए थे। देखिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी आरती की थाली सबसे अच्छी लगी। और यहाँ पे जिस जिस को मन करेगा वो अपना नाम लिखाएगा पूजा में बैठने के लिए। एक एक दिन सब लोग बैठते हैं जिस जिस को मन करता है, और जो जो अपना अपना प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये 15 किलो लड्डू चढ़ाए थे ये लोग। जो भी बैठ सकता है वो अपना नाम लिखवा देगा और बैठता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को बनाना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मुझे सबसे अच्छा यही मोर वाला थाली अच्छा लगा, तो आपको कौन सा थाली अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा आप। ये देखिए मोर वाली थाली सबसे अच्छी लगी मेरे को यही। अब सब कोई आरती करेंगे। मुझे ऐसे एक दीप लेकर कि सब लोग पूजा करेंगे। उनको मिलेगा फास्ट। अच्छा है मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि महाराज आज हमने जरूर आपके कृपा से आपके दिव्य दरबार में महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्रहेरम् द्वारेरम् भक्तिहेरम् सुरेश्वरः यद्पूजितम् यात्।
आरती होने के बाद बहुत जोर से बारिश होने लगे। यहाँ पे म्यूजिकल चेयर हो रहा था, 5 साल से 10 साल के अंदर वाले बच्चों के हो रहे थे ये। देखिए तो बच्चे लोग अपने अपने सीट में बैठे हुए हैं। और ये ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था बच्चे लोगों का, जो गणपति पापा बना रहे थे सारे। ये था रंगोली कंपटीशन, तो जो अच्छा रंगोली बनाएगा उसको मिलेगा। और यहाँ पे बच्चे लोग अपना ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था लोग का, जो अच्छा गणपति बनाएगा चाहे कुछ भी अच्छा बनाएगा उनको मिलेगा। यहाँ पे सब कंपटीशन चल रही थी, गणपति बापा आए हैं, लोगों को सब लोगों को खुशी है बहुत, और सब लोग सब चीज़ में बिजी हैं, सारे कंपटीशन चल रहे हैं। देखिए सब बच्चे लोग गणपति बापा को बना रहे हैं, और जिसको नहीं आ रहा था वो अपने डॉल चाहे कुछ भी वो सारी चीज़ बना रहे थे। यहाँ पे देखिए गणपति बापा बना रही थी वो भी, और मैं बाकी सारे आपको दिखाऊंगी जो जो सबको ही बनाए हैं, और कौन सा आपको अच्छा लगा ये बताइएगा रंगोली में। ये देखिए ये कुछ इस तरह, और ये गणपति बापा बने हुए हैं, और ये एक बने हुए हैं देखिए, और ये एक। तो आपको कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मेरे को ये गणपति और वो गणपति जो बने थे, दो गणपति मेरे को तो अच्छे लगे, आपको कौन से लगे वो बताइएगा आप लोग। तो ये फर्स्ट दिन का था। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वरा ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम वृद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। प्रार्थना पूर्व कॉर्नर का क्लेम चल रहा है।